स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ निशा उप्रेती। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नैनीताल में, जहाँ नंदा सुनंदा महोत्सव का भव्य आयोजन जो आप देख सकते हैं कि आज नंदा सुनंदा का विसर्जन किया जाएगा, जिसके लिए जो डोला है वो अपनी यात्रा पे निकल चुका है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, लोगों की भीड़ देख सकते हैं कि कितनी भारी तादाद में यहाँ लोग माँ नंदा सुनंदा के महोत्सव में शामिल होने के लिए आए हैं। मैं आपको बता दूं कि 7 दिन के बाद ये कार्यक्रम आज समाप्त हो रहा है, जिसके बाद आज माता का जो डोला है वो विसर्जित कर दिया जाएगा और इस कार्यक्रम का जो है समापन हो जाएगा। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पूरा नैनीताल माता के रंग में रंग चुका है, पुलिस व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद करके रखी गई है और लोग जो हैं वो पूरे उत्साहित होकर इस शोभा यात्रा में शामिल हुए हैं। महिलाओं से लेकर बच्चे, यहाँ तक कि बुजुर्ग भी इस यात्रा में शामिल हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कितनी भारी भीड़ है यहाँ पे, और बात करेंगे हम लोगों से। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मोहित लाल शाह। कितना उत्साह है आज माता का जो समापन है, कितना उत्साह? देखिए, सभी को पहले तो नंदा देवी महोत्सव की शुभकामनाएं। जैसे कि एक बेटी को मायके से ससुराल की ओर विदा किया जाता है, तो आप देख रहे हैं पूरा जन समूह आज अपनी एक बेटी को ससुराल की ओर विदा करने आया है। 1 तारीख से माता विराजमान हो गई थी अपने मायके में और आज ससुराल को भी विदा हो रही है। आप देख रहे हैं पूरा अपार समूह माता को अपना आज अपनी बेटी को विदाई देने आ रहा है और बेटी से यही आशा करता है, यही आशीर्वाद मांगता है कि अपना आशीर्वाद ऐसे बनाए रखे, उत्तराखंड फलीभूत हो, हमारा परिवार फलीभूत, हमारे युवाओं को रोजगार मिले, हमारे युवा फलीभूत हो, यही माता से हमारी आशीर्वाद और कृपा हम मांगते हैं। विसर्जन कहाँ होगा? विसर्जन माता ये गोलजू देवता का मंदिर है ठंडी सड़क में, वहाँ पर को साय 7:30 बजे वहाँ पर विसर्जन किया जाएगा। धन्यवाद। तो देखा आपने कि लोग पूरे उत्साहित है माता के विसर्जन को लेकर। तो फिलहाल अभी के लिए हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही। मैं अपने सहयोगी समय राज शाह के साथ निशा उप्रेती, जेजेएन न्यूज हल्द्वानी। नमस्कार।